वेलकम बैक व्यूअर्स। सो आज की इस वीडियो में हम फिर हॉरिजन 5 के गेम प्ले करने जा रहे हैं, तो जिसमें हम जो गाड़ी इस्तेमाल करने वाले हैं वो है जी ये 488 पिस्ता 2019 फिरारी का मॉडल है, और इसको हम मतलब ना यूज़ करेंगे। ऐड टू फेवरेट मैंने इसको किया और इसको मैं यूज़ करने की कोशिश करता हूँ। अगर ये मुझे गाड़ी मिलती तो मैं इसको यूज़ करूँगा। ठीक है, मैंने इसको गेट कर लिया, और इसके बाद अब हम ड्राइव पे जाते हैं। तो अगर लुक की बात की जाए तो ओवरऑल लुक जो काफ़ी अच्छी है, और इसकी हेडलाइट भी बहुत प्यारी बनाई है, और इसकी बैकलाइट भी काफ़ी अच्छी मुझे नज़र आ रही थी। तो आप लोगों को कैसी लगेंगी वो आप वीडियो में बताएंगे। देखने के बाद फाइनली जो ये गाड़ी है हमें मिल गई है, और इसमें अभी मैं कोई ना कोई मैप जो है वो देख लेता हूँ, जो कहीं मुझे जिसका कोई इवेंट वगैरह भी मिल जाए। और जो है ये तो हीरोज़ वालों का अपना ही इवेंट है। या हॉट व्हील की अगर बात की जाए तो इधर मैं रहने देता हूँ आज के इस इवेंट को। ये लोकेशन पता नहीं कौन सी आ रही है। मैं ये वाला इवेंट करके देखता हूँ। सही है भाई लोग, तो मैंने इसका मैप जो है वो लगा लिया। तो अब मैं फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पे जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैंने इसका हेड ब्रेक को खोला, और अब इसका एक्सेलेटर को प्रेस करता हूँ, और सेफ़ ड्राइव करने की कोशिश करूँगा कि एक्सीडेंट वगैरह ना ही हो। अलबत्त मुझे गाड़ी वगैरह इतनी ड्राइव करनी आती तो नहीं है, अगर आप लोगों को आती है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आप लोग भी मेरी तरह नए ले चले हैं तो फिर क्या कर सकते हैं भाई, कुछ भी नहीं हो सकता। तो मैं इसकी स्पीड बढ़ाता हूँ। ओ भाई वाह, फ़ौरन ही तीसरा गियर पे चली गई यार, क्या बात है इस गाड़ी की। ये फोर गियर पे हमें 100, ये फाइव गियर में 150। ओ भाई क्या बात है यार। सबसे अब शायद इसमें मुझे नहीं लगता कि जो छठे गियर की ऑप्शन मौजूद है, फाइव गियर वाली गाड़ी है। तो रे भैया एक्सीडेंट एक्सीडेंट, ओ नो नो यार क्या मसला है यार, एक्सीडेंट मुझसे बहुत होते हैं भाई। इसके ज़रा मैं डैशबोर्ड को भी आप लोगों को चेक करवाता हूँ। ये देखें इसका जो डैशबोर्ड है वो काफ़ी फैंटास्टिक बना हुआ, और इसमें जो करेक्टर उन्होंने इंस्टॉल किया वो हमने लास्ट वीडियो में मॉडिफाई किया था। ठीक है, आप लोगों को याद ही होगा, और अगर आप लोगों ने वो करेक्टर वाली वीडियो नहीं देखी तो ओ तेरी खैर भाई लोग, भाई लोग क्या कर रहे हो यार, अब एक्सीडेंट करने हैं। ओके ओके, फाइनली हम लोग जो हैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचे हैं। तो अभी देख रहे हैं रोड रेसिंग है, और इसमें हम इंटर करते हैं। लो जी सोलो का ऑप्शन आ गया, क्यों ना कि हमने ये गेम परचेज नहीं की तो, वरना प्राइवेट रेवल के तौर पे भी हम खेल सकते थे, अदरवाइज हम सोलो पे ही क्लिक करके ये खेलते हैं। सही है, इसका मैंने सेलेक्ट किया, और देखते हैं कि अभी जो रेस है वो मैं क्या परफॉर्मेंस देने वाली है। और भैया टोयोटा का क्या मॉडल, अब यहाँ में से मैं कौन सा करूँगा यार, चूज़ रिकमेंडेड, इनमें से क्या यार करूँ मैं, कोई अच्छी सी चूज़ करता हूँ, ये वाली नहीं। ये टोयोटा का है जो मॉडल 1998 मॉडल, ये क्या परफॉर्मेंस देगा, तो इसको छोड़ते हैं, और ये वाली जो है इसको हमने चूज़ कर लिया, और ये हमें गाड़ी मिल चुकी है रेस लगाने के लिए। एक तो इसका सबसे बड़ा मुझे मसला है, वाह फैंटास्टिक गाड़ी है यार, देखने में तो सब खूबसूरत है, अगर रियल में मिल जाए तो क्या बात है। जो हमारा करेक्टर है जो हमने वो मॉडिफाई किया था वो भी हमारे नज़र आ चुका है, और इसके अल्लाह रिम भी बहुत अच्छे हैं, हेडलाइट बैक लाइट और ओवरऑल लुक के हिसाब से तो काफ़ी अच्छी है। देखते हैं कि क्या ये गाड़ी हमें आज की रेस जो है वो जिता पाएगी या नहीं। मुझे नहीं लगता कि वो ये गाड़ी हमारी जो आज की रेस है वो जिता पाएगी। हाँ आप लोगों को क्या लगता है आप कमेंट में बता सकते हो, और इस गाड़ी का जो रिव्यू है वो भी आप दे सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा कि ये जो रेस है फर्स्ट नंबर पे आए, वरना भाई लोग आपको तो पता है जिस तरह से मैं गाड़ी ड्राइव करता हूँ ना, मुझे लगता है कि सबसे एंड पे ही आऊँगा, क्योंकि एक्सीडेंट वगैरह मुझसे होते रहते हैं। तो अरे भाई इसके लुक को छोड़ो और रेस भी लेके चलो, ये काफ़ी यार इस गेम में जो प्रॉब्लम है यही है, काफ़ी देरी अपने वो दिखाते रहते हैं दिखाते रहते हैं। अरे भाई गाड़ी देख लिया है, क्या मसला है आप लोगों को,
ऑनलाइन फील्ड में जाने के लिए ऑनलाइन तो हमने गेम परचेज नहीं की जो इतना लोडिंग पे टाइम लगा रहा है। सही है, दिखा तो दिया है, कितना और दिखाओगे? मोड भी दिखा दिया। अरे भाई थक गए हैं, बस करो यार, डायरेक्ट लेके जाओ। शुक्र है, मुझे लगता है कि अभी फाइनली हम जो है रेस में आ चुके हैं। अरे भाई क्या बात है, काफ़ी तगड़ी गाड़ियाँ जो हैं वो आई हुई हैं। गाड़ियाँ ट्यून कर, ट्यून कर में हम क्या कर सकते हैं इसमें? जस्ट हमारे पास सी आर तो है नहीं, तो हम इवेंट इंजॉय करते हैं और देखते हैं इधर हमें जो है सी आर वगैरह कोई मनी वगैरह मिलती है कि नहीं मिलती। तो चलो आज के इवेंट को स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली मैंने आज के इवेंट को स्टार्ट किया और देखते हैं कि अभी, ओ भाई ये गाड़ी गजब की, अल्लाह माफ़ी। अरे भाई चलो 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 चलो, स्पीड बढ़ाओ यार, गेम नहीं जीतनी। मैं फुल व्यू कर लेता हूँ ताकि मैं गेम को जीत सकूँ। अरे भैया बहुत भगाते हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं ये गेम जीत पाऊँगा। और इस एक्सीलरेटर पे भी मुझे पैर रखना पड़ेगा और ब्रेक पे भी। तो चलो रे, चलो 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 चलो, तेरी खैर। अरे भाई लोग क्या मसला है, ये गाड़ी मुझे बिल्कुल बकवास मिली है। मेरे ख्याल में तो ये मैंने गलत चूज़ किया, तीसरे गियर में भी ये सही से वर्क नहीं कर रही। काश मैं कोई और गाड़ी ले लेता, आज तो पक्का हारना मुश्किल ही नहीं, मुमकिन ही नहीं बल्कि हार चुका हूँ। ये देखो भैया यार क्या मसला है गाड़ी को, मेरे ख्याल में तो ये गाड़ी मैंने रॉन्ग चूज़ की है। बस इसकी कलरिंग अच्छी है, इसके अलावा और उसकी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो बिल्कुल बकवास है। ये तो बस दूसरे तीसरे गियर में कंट्रोल हो रही है, अगर इसका हम गियर को चेंज करने की कोशिश करते हैं तो ओवर लिमिट का ऑप्शन दे जाती है। यार क्या मसला है, ओए मारे गए इस तरीके से भाई, कभी नहीं जीत पाएंगे, कभी भी नहीं जीत पाएंगे। एक लूप में वो जीत गए हैं और दूसरे में भी लो जी वो जीत गए हैं, सही है। और जो हमारा लूप नंबर 3 है, 2 वो शुरू हो चुका है। चलो कोई बात नहीं भाई लोग, हमारा आखिरी आखिरी वाला नंबर तो हमारा ही है ना, तो टेंशन किस बात की है भाई। गाड़ी मुझे कोई अच्छी सी चूज़ करनी चाहिए थी और मैं भी ठहरा, अगर यहाँ पे BMW या ऑडी की होती, ऑडी की भी इतनी अच्छी नहीं है, BMW की होती तो काफ़ी अच्छी थी और शायद हम ये जो रेस है वो जीत भी जाते। इसका कंट्रोलेशन बहुत ख़राब है भैया। अरे भाई क्या मसला है, चलो एंड पे ही लेके जाओ, एंड पे ही लेके जाओ, लेके तो जाओ, इस तरह बुरी तरीके से तो नहीं रहो। पत्थर वगैरह भी डाले हुए हैं, फुल कंट्रोल नहीं हो रहा, कोई मसला नहीं है। अरे भाई लोग सही है यार, सही है सही है। इसको चाहिए था कि जैसे ही इसके स्टेरिंग को घुमाते गाड़ी को फुल घूम जाना चाहिए था, बस वही। एक्सीडेंट के अलावा तो हमने कुछ किया नहीं है भाई लोग, हमारा जो हारना है वो हमारी किस्मत में था और हम हार चुके। जो हमारा फाइनल लूप नंबर 3 जो है वो शुरू हो चुका है, जिसमें हमारी हार जीत का फैसला होना था। हार तो हम ऑलरेडी चुके हैं ना, इसमें तो कोई बुराई वाली बात है ही नहीं। चलो सेफ ड्राइव का मज़ा तो लेते हैं। अभी मैं आहिस्ता आहिस्ता से चलाऊंगा, कोशिश करूंगा कि ये गाड़ी हमें वर्क प्रॉपरली करे। ये देखो जी चौथा गियर है और 70-80 से ऊपर स्पीड जा ही नहीं रही, जबकि यहाँ पे पहले गियर में ही काम होना चाहिए था। हॉरिजन फायर वालों ने पता नहीं क्या सोच के ये गाड़ी डाली है भाई। पीछे वाली गाड़ियाँ भी रुक चुकी हैं, रुक चुकी हैं, मैं सोचूं मेरे पीछे आ रही हैं। और ये देखो साथ ही ऑप्शन दे दिया जी स्पीड ओवर है, ये क्या बात हुई। वैसे भी सिटी में स्पीड इतनी होनी चाहिए। हमारे पीछे जो गाड़ियां आ रही हैं क्या हम उसको उनको उनको नहीं 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 निकलने नहीं देना, निकलने नहीं देना भाई। थे ओवर स्पीड हो गया, ओवर स्पीड हो गया। अरे भाई पीछे रहो यार, क्या कर रहे हो?
स्पीड को बढ़ाता हूँ, स्पीड को बढ़ाता हूँ इसको यूँ। अल्लाह जी भाई, फिनिश 12 नंबर हमारा है। मुझे पहले भी शक था कि सबसे लास्ट जो गाड़ी आएगी वो हमारी आएगी। चलो फिर भी देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले नंबर पे ऑडी आई है, ऑडी वैसे भी अच्छी होती है। चलो खैर, उम्मीद है कि आप लोगों की आज की ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों की ये वीडियो हमारी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट और इसमें, तब तक के लिए गुड बाय।